नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बिल के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका बिल अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे पे कर सकते हो। जी, मैं आपको आज वीडियो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल भी फालतू की बातें इधर उधर नहीं करूँगा जिससे आपका टाइम खराब हो। मैं सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, बिल पेमेंट करने के लिए क्या होता है, आपको अपने फ़ोन में ओपन करना है एक्सिस बैंक की ये मोबाइल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कौन सी होती है दोस्तों, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड है तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। तो आपको जो ओपन करना है, ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में ऑलरेडी है तब उस कंडीशन में दोस्तों आपको जाना है क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर। मैं आपको दिखाता हूँ उस पर। यहाँ जाने के बाद आपके पास दोस्तों, आपके सामने आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। और इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है तो यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों, मेरे में क्लिक करने का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है एक्सिस बैंक में नहीं है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों का अकाउंट इस तरह से नहीं होता, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको होम पेज पर आ जाना है तीन लाइन पर क्लिक करके। होम पेज पे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, और पेमेंट वाले ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन आ रहा है पे माई ड्यूज, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ऐसी बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, फालतू चीज़ें नहीं बता रहा। अब यहाँ क्लिक करने का दोस्तों देखिए मेरा नाम यहाँ पर, मेरा क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है, शुरू के और लास्ट के जो डिजिट हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड के वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आना है। नीचे आने का दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टोटल ड्यू और मिनिमम ड्यू, और आप चाहो दोस्तों तो आप अपने हिसाब से भी अब यहाँ पे अपना अमाउंट पे कर सकते हो। जैसे दोस्तों आपको पेमेंट करना है 2000 रुपये, आपके पास पूरा पेमेंट नहीं है लेकिन आप मिनिमम से ज़्यादा पे करना चाहते हो, तो आप जितना चाहो यहाँ पे पेमेंट लिख कर एड करके एड कर सकते हो। अदर इस पर क्लिक करके, अदर अमाउंट पर क्लिक करके यहाँ पेमेंट क्लिक कर टाइप कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आपको इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना, ना ही एजेंसी कोड पे, ना ही एजेंट आईडी पे। तो दोस्तों, मैं टोटल ड्यू पे ही पेमेंट अपना पूरा अमाउंट पे करना चाहता हूँ, तो इसके लिए दोस्तों, और दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे कि मेरा ड्यू डेट है 30 मार्च, तो आपको एक बात याद रखना है, आपको 2 दिन पहले पेमेंट करना है, 2 दिन पहले तक, क्योंकि अमाउंट को यहाँ पर अपडेट होने में टाइम लग जाता है। तो मेरा अकाउंट दोस्तों एक्सिस बैंक में है नहीं है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरा सिलेक्ट किया टोटल ड्यू, उसके बाद करता हूँ अदर बैंक, क्योंकि मैं किसी और बैंक से पेमेंट करूँगा। अदर बैंक पेमेंट करके यहाँ पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ दोस्तों देखिए लिखा हुआ आ रहा है मेरा क्रेडिट कार्ड के बारे में, टोटल अमाउंट इतना है मेरा, और जो सब कुछ आ रहा है, तो आपको ये देख लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको करना है कन्फर्म पे, और दोस्तों देखिए यहाँ पर साफ लिखा आ रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो 2 वर्किंग डे में सेटलमेंट हो पाएगा। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप अपना पेमेंट कैसे करना चाहते हो, डेबिट कार्ड द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा, या फिर अपनी UPI आईडी से। तो दोस्तों आप जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो मैं करूँगा दोस्तों, मैं पेमेंट करूँगा यहाँ पर अपनी UPI आईडी से। तो मैं यहाँ पे अपनी UPI आईडी डालता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे अपनी UPI आईडी डाल दी है और वो वेरीफाइड भी हो चुकी है, यानी मेरी UPI आईडी सब कुछ सही है। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना है पे पर क्लिक। दोस्तों पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको टाइम यहाँ पर दिखा रहा है, अब आपको अपने UPI आईडी वाले ऑप्शन में जाना है। तो मैं चलता हूँ अपने UPI आईडी वाले ऑप्शन पर। यहाँ देखिए ऑप्शन मेरा आ चुका है एक्सिस बैंक का, यहाँ पर आपको पे कर देना है। पे करने का दोस्तों आपको प्रेस टू पे करना है, उसके बाद दोस्तों फिर से आपको पे कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपना जो पिन है वो डाल देना है, मैं डालता हूँ। पिन डालने का दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको फिर से अपने उसी पेज पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपको इस तरीके से अपना पेमेंट करना है। यहाँ देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, और जो हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 से 2 दिन का कम से कम टाइम लग जाता है आपके जो अमाउंट है
पेमेंट है उसको अपडेट होने में। तो मैंने तो 30 तारीख से काफ़ी पहले किया है, मेरा 2 दिन में जो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपना पेमेंट करना चाहते हो तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे ही कर सकते हो। और आप दोस्तों UPI ID से नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आपको मैं दिखाया था डेबिट कार्ड का ऑप्शन, आप अपने कार्ड से भी कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।